अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू स्पॉटलाइट अनप्रिपेयर्ड। स्पॉटलाइट अनप्रिपेयर्ड में आपको खुशामदीद। मैं हूं रीना पटेल। अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने निगरान वज़ीर आज़म का हलफ ले लिया माशाल्लाह 14 अगस्त को, और वज़ारत उमूर भी देखना शुरू कर दिए हैं। आज ऐन मुमकिन है कि वफाकी काबीना का ऐलान हो जाए, और आलमी अवार्ड याफ्ता आई टी माहिर डॉक्टर उमर सैफ को निगरान वज़ीर बरए आई टी एंड टेलीकॉम का इनाम किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा जो सीनियर साहब ये मुर्तज़ा सुलेही को वफाकी वज़ीर इत्तला'आत बनाए जाने का इम्कान है, और ये मुमकिन है कि वज़ारत खारजा की जिम्मेदारी साबिक सिफारतकार जलील अब्बास जिलानी को सौंपे जाने का इम्कान है। वो अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर भी रह चुके हैं। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना के लिए सुल्तान अली अलाना का नाम सुनने में आ रहा है कि वो वज़ारत ख़ज़ाना का के उम्र देख सकते हैं, निगरान वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर फैसला किया जा सकता है। तहम उनकी दोहरी शौहरियत की वजह से अब वो साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर को भी निगरान वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जा सकता है। सरफराज बुख्ती को वज़ीर दाखिला बनाया जा सकता है, जबकि ताबिश गौर को वज़ारत तवानाई दिए जाने का इम्कान है। सनतकार डॉक्टर गौहर एजाज को निगरान वज़ारत तजारत सनत व पैदावार और अनीक अहमद को वज़ारत मजहबी उमूर का कलमदान दिया जा सकता है। अच्छा, ये तो अब जब जैसे ऐलान होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसको क्या चीज़ें कौन कौन सी वजारतें जिसको दी जाने का इम्कान। एक और चीज़ तो होती है दोस्तों, जिसे हर आम आदमी परेशान है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो काबू से बाहर है। कैटेगर गवर्नमेंट का आते ही ऑब्वियसली उन्होंने तो भी डिसाइड किया होगा, पहले से ये डिसाइडेड होगा कि पेट्रोल के तकरीबन पेट्रोलियम मसनूआत पेट्रोल पे तकरीबन 20 रुपये की खरीद होते हैं पैसे। और होता ये है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो एक्सपेंसिव होती है तो डाउन द लाइन सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, और इन्फ्लेशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। एक आम आदमी के लिए जिसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास के अंदर प्रिवेल करता है, जो बेचारे जो 25-30 हज़ार रुपये पर मंथ कमाते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। इवन जो मिडिल क्लास है उसके लिए भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है कि वो बिजली के बिल जो कि हर वक्त बढ़ रहे हैं, हर वक्त पर यूनिट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, वो मैनेज करें, अपना कन्वेंस मैनेज करें, या अपने बच्चों की फीस मैनेज करें, या हाउस होल्ड के अखराजात ग्रोसरीज ये मैनेज करें। तो तवक्कुह है कि इन चीज़ों की तरफ भी हुकूमत का ध्यान जाएगा और कुछ सुख का सांस आम आदमी भी ले सकेगा। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस तरफ भी तवज्जो जो है वो हो सकती है कि गवर्नमेंट देखते इस तरफ। बहुत ज़्यादा मुद्दत लिया है लोगों ने, और फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस जो है वो बहुत लोगों में पाया जाता है। खुदा से दुआ भी यही है कि उन चीज़ों पर जल्द से जल्द खात्मा हो, और इंसान जो है पाकिस्तान में आम आवाम जो है वो थोड़ा सुख का सांस ले सके। एक और चीज़ जो भी हुई वो 14 अगस्त को किसी भी ने एक वीडियो रिलीज किया क्रिकेट लेजेंड जो क्रिकेट हिस्ट्री के बारे में एक्चुअली, तो उसमें से उन्होंने थंबनेल में इमरान खान साहब थे, लेकिन उन्होंने वीडियो से उनकी उनको रिमूव कर दिया, जिस पर किसी पर काफ़ी लहरें हुई और फैंस को बहुत ज़्यादा उन्होंने रिएक्ट किया। लेकिन साथ ही जो स्पोर्ट्स वर्ल्ड के लोग हैं उन्होंने भी बहुत कुछ उनका भी काफ़ी सारा रिएक्शन आया क्रिकेटर्स की तरफ से और रिपोर्टर्स की तरफ से, और जो लोग हैं उन सब ने कहा कि किसी का जो इंतकाम है ये बहुत ही बुरा कदम है। जो इमरान खान की क्रिकेट में जो खिदमत है और वो जो क्रिकेट में जो उनकी लेजेंडरी हैसियत है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। वो क्रिकेट स्टार थे, वो क्रिकेट स्टार हैं और क्रिकेट स्टार हमेशा रहेंगे। वसीम अकरम ने जो है वो काफ़ी रिएक्ट किया और उन्होंने ये कहा कि किसी भी को जो है वो इमरान खान से अपोलोजाइज करना चाहिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि पीसीबी ने अब जो नेक्स्ट वीडियो रिलीज किया है उसमें उन्होंने इमरान खान के ग्लिम्सेस और इमरान खान को उसके अंदर ऐड कर दिया है। शुक्र है कि ये कर दिया है, ये गलती की उनसे तवक्को नहीं थी, लेकिन होता ये ना कि जिस चीज़ की तवक्को नहीं हुई हो जाती है, उसके बाद वो जंगल में आग की तरह चीज़ें फैल जाती है और वैसे ही लोग जो हैं वो गम व गुस्से का शिकार हैं और वो और ज़्यादा रिएक्ट करने लगते हैं। जाहिर है कि जो
माशी जो प्रेशर है वो तो है ही है, उस पर ये चीज़ें भी हो जाती है, तो रिएक्शन तो एक्सपेक्टेड है। अच्छा, इसके अलावा ये हुआ है कि डॉलर की जो प्राइस है वो इंक्रीज होती जा रही है और कहा ही जा रहा है, और जो ट्रेंड देखने में आ रहा है वो ये है कि डॉलर ऊपर 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 जा रहा है, तो बहुत जल्द इंटरबैंक में 300 टच जमेगा। जो मार्केट रेट है उसमें तो वो 303 टच कर चुका है, इससे पहले भी ऊपर गया था, फिर नीचे आया था, अब दोबारा उसका ट्रेंड ऊपर जा रहा है, और उसका भी जाहिर है कि चीज़ों पर और इम्पैक्ट आता है डॉलर का, करेंसी और डॉलर इंक्रीज होता है बाकी सारी करेंसीज भी उसके साथ अफेक्टेड होती है। तो इसके अलावा जो है वो ये हुआ है कि आज इमरान खान साहब की समाधि अडियाला जेल मुंतकली की, जो कि आज नहीं हो सकी है, इसकी भी उनकी एक रिक्वेस्ट भी डिस्कस होनी थी, जिस पर उन्हें घर का खाना देने की बात थी, जो कि चूंकि आज समाप्त नहीं हुई है तो उस पर डिस्कशन भी नहीं हो पाया है। फैसलाबाद जलियांवाला में मस्जिद से ऐलानात करके जो आवाम को अकलियती इबादत गाहों पर हमले के लिए हथियार लाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया गया है। बड़ा अफसोसनाक वाकया ये हुआ है, और माइनॉरिटीज का भी इतना ही राइट है पाकिस्तान पर जितना मेजोरिटी का है, ये नहीं हम कर सकते हैं, या ये नहीं एक्सपेक्टेड है कि अगर कोई अकलियती उस तबके से है और माइनॉरिटीज में है तो उनका राइट नहीं है और उनके साथ जो चाहे सलूक किया जाए, ये मुमकिन नहीं है। पुलिस का कहना है कि जलियांवाला में जलाओ घेराव करने वालों के लिए उनके खिलाफ दो मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं, जिसमें 37 अफराद को नामजद और 600 से जायद नामालूम अफराद को शामिल किया गया है। मुलजमान ने तोड़फोड़ की है, घरों और गिरजाघर को आग लगाई है, और मुकदमात में दहशतगर्दी और तौहीन मजहब समेत 13 से जायद दफात भी शामिल है। पुलिस का ये भी कहना है कि जलियांवाला की मस्जिद में ऐलान करके लोगों को हथियार बनाने वाले मुलजिम को उन्होंने गिरफ्तार कर दिया है। उस मुलजिम का जो नाम है वो यासीन है, यासीन को मंजर यहाँ पर आने वाली वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिम मस्जिद के स्पीकर पर लोगों को जमा होने का कह रहा है, और पुलिस का कहना है कि वीडियोस की मदद से फसादात में मुलविस मजीद मुलजमान की शिनाख्त करके गिरफ्तारियों की कोशिशें की जा रही है। साइफर गुमशुदगी का मामला जेर बहस है, साइफर गुमशुदगी पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, और इसके लिए हुकूमत जो है वो खसूसी GIT टीम जो है वो तश्कील दी जा रही है, ताकि जो ये मामला हुआ है उस पर जो है वो एक्शन लिया जा सके। तो सिंध के निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अहदे का हलफ उठा लिया, और गवर्नर सिंध कामरान कसूरी साहब ने निगरान वजीर आला सिंध से हलफ लिया, और तकरीब में मुराद अली शाह, साबिक वज़रा, पीपल्स पार्टी के लोग, MKM और GDS समेत सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। इसके अलावा तकरीब में गैर मुल्की सफारतकारों, ताजरों और फौजियों सिविल हुकाम भी शरीक हुए थे। निगरान वज़ीर आला जस्टिस बाकर जो है वो उनका ताल्लुक कराची से है, और मकबूल बाकर ने जामिया कराची से LLB किया और 1981 में वकालत से मुंसलिक है। मकबूल बाकर साल 2002 में सिंध हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए, और फिर साल 2013 में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर हुए, 2015 में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए, और 4 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से रिटायर हुए। इंशाल्लाह सिंध के लिए जो है ये अच्छा स्टेप साबित होगा, उम्मीद तो है हमें इंशाल्लाह। रिजवाना का जो केस है अभी जेरे बहस है, और इस अरसे में इस असना में एक और वाकया हो गया है। रिजवाना के केस में जज आसिम को OIC बना दिया गया, और उनकी अहलिया जो है वो जुडिशल रिमांड पर है हरियाणा के अंदर। रानीपुर में मुकामी पीर की हवेली में 10 साल की मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद से हलाकत के केस में एडिशनल सेशन जज खैरपुर ने मजिस्ट्रेट रानीपुर को बच्ची के पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई का ऑर्डर जारी करने का हुक्म दे दिया है। जज के खैरपुर ने यह भी बताया कि MS सिविल अस्पताल मेडिकल बोर्ड के लिए महकमा सेहत को तहरीरी लेटर लिखे कि मेडिकल बोर्ड कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम करेगी। पता नहीं हमारे लोगों को क्या हो गया है, लोग
कैसे हो सकते हैं? एक तो वो छोटे बच्चों को काम में रखते हैं, उसके बाद उनका इतना जुल्म करते हैं, मतलब मुझे नहीं समझ में आता। सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं और सारे मजाहिब में भी बच्चों के साथ शफ़क़त और रहम का हुक्म दिया गया है। अव्वल तो ये कि छोटे बच्चों को काम पर रखना मेरी मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ये किस तरह कर सकते हैं। अपनी औलादें हैं, आप एक लम्हे के लिए भी नहीं सोच रहे कि जिनके साथ आप ये कर रहे हैं ये किसी की औलादें हैं। इस्लामाबाद के बाद मुल्क भर के तमाम पासपोर्ट दफातर से भी ई पासपोर्ट का इजरा शुरू कर दिया गया है। इस्लामाबाद में जून 2023 में ई पासपोर्ट की सहूलत तमाम को फराहम की गई थी और अब ये पूरे मुल्क शुरू हो गया है। डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के मुताबिक ई पासपोर्ट इजरा के लिए फीस शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक 36 सफात के 5 साल ई पासपोर्ट के लिए नॉर्मल फीस 9,000 रुपये रखी गई थी, जबकि इतने ही सफात के अर्जेंट पासपोर्ट की फीस 15,000 रुपये मुकर्रर की गई है। और शेड्यूल के मुताबिक 72 सफार के ही पासपोर्ट के लिए नॉर्मल फीस 16,500 है और अर्जेंट के लिए 27,000 रुपये फीस मुकर्रर की गई है। तो अच्छी बात है कि ई पासपोर्ट का इजरा शुरू हो गया, लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा। और बाज़ औक़ात वहाँ इमरजेंसी में भी पासपोर्ट चाहिए होता है ट्रैवल के लिए, तो ये चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीम लाइन होने की तरफ जा रही हैं। और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।